So if you are a UPSC beginner, you are just starting your preparation, what is the perfect sequence of subject that you are going to follow or you should follow? I will tell you. Okay, so आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पॉलिटी एंड इकोनॉमी की. क्यों? क्योंकि ये आपका करंट अफेयर्स का बेस बनाते हैं और आपका मेंस की प्रिपरेशन का बेस बनाते हैं. हिस्ट्री आप बाद में कर सकते हैं, हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मेंस में नहीं आता है, प्रीलिम्स के साथ में कर सकते हैं. ज्योग्राफी एनवायरमेंट आप बाद में कर सकते हैं, आफ्टर योर यू नो मे बी 3-4 मंथ. ठीक है, स्टेप टू में आप वो टॉपिक पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है. सो फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री. ओके, सो जो टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन टॉपिक्स हैं वो आप करेंगे, क्योंकि आपको मेंस की प्रिपरेशन दिसंबर से पहले करनी है. आपको दिसंबर के बाद तो आपका प्रीलिम्स का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, तो दिसंबर के बाद तो आप प्रीलिम्स पे ही फोकस करने वाले हैं, लेकिन दिसंबर से पहले आप मेंस पे फोकस करने वाले हैं. तो मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, तो वो टॉपिक पढ़िए जो आपके दोनों जगह काम आ सकते हैं. स्टेप थ्री में आप बाकी एनसीईआरटी पढ़िए, ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस सोसाइटी. तो उससे पढ़ने से क्या होगा, आप प्रीलिम्स के लिए आप अपना बेस प्रिपेयर कर रहे हैं. और स्टेप फोर में आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, सीसेट पढ़ेंगे और अपने मॉक टेस्ट देंगे. ये आपका प्लान हो गया प्रीलिम्स तक. आफ्टर प्रीलिम्स आप क्या करेंगे, ओनली एंड ओनली मेंस ऑफ ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे. ओके, सो ये प्लान था आपका. अगर मैं बात करूं स्टेप वन एंड टू एंड थ्री, ये आपका दिसंबर तक होना चाहिए. और दिसंबर तक आप साथ में ऑप्शनल भी करेंगे, मिनिमम 5 to 6 आवर्स डेली ऑप्शनल भी करेंगे, क्योंकि दिसंबर के बाद वापस से आपका प्रीलिम्स का प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ऑप्शनल करेंगे और करंट अफेयर्स आप साथ में करते रहेंगे. डेली 1 घंटा बहुत होता है, आप उसको करते रहिए, इट विल बी मोर देन सफिशियंट. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इट, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई दिस. ऑल द बेस्ट.